विभीषण जी ने रावण को समझाना शुरू किया। एक कहावत है विभीषण से जुड़ी हुई, कोई बोलेगा कौन सी है वो कहावत? विभीषण से जुड़ी हुई कौन सी कहावत है? घर का भेदी, कितना बढ़िया गर्व से बोलते हैं ना हम, क्यों? अगर भाई भाई का साथ देता तो ऐसा नहीं होता। एक इंच जमीन घर में चली जाए तो सीधा विभीषण और रावण का संबंध याद आता। विभीषण ने भी यही किया था। अरे क्या किया था पहले पढ़ो ना भाई, अर्ध ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। भैया मैं छोटा हूँ, आपके पुत्रवत हूँ, आपका मुद्दार है, आप उस दुलार का वास्ता रख लो, पर राम जी की शरण में चलो, माँ को वापस कर दो। इतना प्रेम से और रावण ने क्या जवाब दिया? पहले तो कहता है मूर्ख, दुश्मनों के अपक्ष लेता है तो जाकर उन दुश्मनों को ही अपनी नीति समझा, शत्रुओं से ही अपना ज्ञान बता, मुझे तेरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। चरण से प्रहार किया, जब पैरों से प्रहार किया, फिर विभीषण जी खड़े होते हैं, फिर हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं तुम पितु सरसी भले ही मुहि मारा, आप मेरे पिता के तुल्य हैं, भले आपने मुझे मारा, पर फिर भी मैं कहता हूँ राम जी का भजन करने से ही आपका हित है। आप बताइए, आपका कोई ऐसा विभीषण जैसा भाई हो आपके हित की बात करे और उसको कोई लात मारे तो वो फिर दोबारा आपके हित की बात करेगा क्या? क्या बोलकर निकलेगा? जाओ तुम्हारा सर्वनाश हो जाए। विभीषण जी ने बार बार समझाया, रावण ने लात मारी। इसमें दो सिद्धांत समझ सकते हैं। एक तो ये भी समझ सकते हैं कि रावण को अपने कुल का उद्धार करना है और वो जानता है कि एक विभीषण के सिवा कोई दूसरा संत में पूरे कुल में नहीं है, तो पहले ही विभीषण जी को राम जी के शरणागत के लिए मजबूर किया। और विभीषण जी जब निकले लंका से, रावण जब ही भीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। जैसे रावण ने विभीषण जी को लात मारी, गोस्वामी जी लिखते हैं उसी क्षण रावण का दुर्भाग्य शुरू हो गया। लात मारते ही उसका बुरा समय उसी समय से शुरू हो गया था। तो भैया इस दृष्टि से ये बात करना कि विभीषण ने घात किया, द्रोह किया, ये सरासर मेरे हिसाब से, मेरी बुद्धि कहती है गलत है। विभीषण जी संत हैं और संत के अपमान का फल रावण के कुल को मिला है, किसी घात की वजह से नहीं। विभीषण जी आए, शरणागति हुई। इधर सुख और सारन नाम के अपने दो सेवकों को रावण ने पीछे भेजा था, जो देख कर आओ कि सेना में कौन है, क्या है, पूरा हिसाब किताब खेमे का पता करके आओ। सुक और सारण पहुंचे, अच्छा ये पकड़े गए, पहचान में आ गए। जैसे पहचान में आए, वानरों ने काटना शुरू किया, लेकिन लक्ष्मण जी ने दया करके छुड़ा दिया। लक्ष्मण जी ने एक पत्रिका दी, बोला जाकर अपने रावण को दे देना। ये पहुंचे रावण के पास। रावण ने पूछा और बताओ शत्रु के यहाँ कितनी सेना है, क्या है, पूरी व्यवस्था मुझे अच्छे से समझाओ। इन्होंने कहा महाराज कितनी सेना है ये तो भूल जाइए, पदम 18 जूथप बंद। कितने वहां पे सेनापति हैं? 18 पदम। इकाई दहाई पढ़ी आपने? वो भी नहीं पढ़े। आप कौन से जमाने के हो भैया? तो हम ज्यादा पुराने हैं कि आप ज्यादा नए हो? इकाई आगे, अरे हम भी भुला सकते हैं, हमारी गणित बहुत अच्छी नहीं है। इकाई फिर दहाई, फिर हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, उसके बाद 1 पदम। अब सोचो सारन ने, जो सुख सारन ने बात कही, 18 पदम खाली सेनापति हैं और एक एक सेनापति के नीचे 11,000 लड़ने वाले हैं। रावण को इतना बता दिया कि रावण की बुद्धि वैसे चकरा के भ्रष्ट हो जाए। इन्होंने सोचा इतना बता दो कि इसके दिमाग से ये लड़ने का ख्याल निकले। अच्छा सबसे ताकतवर सिपाही कौन है शत्रु के खेमे में? इन्होंने कहा ताकतवर का तो नहीं पता लगा पाए, पकड़े गए थे ना,
सबसे कमजोर कौन है उसका पता लगा है। कौन है सबसे कमजोर? बोला उसकी तो कोई गिनती भी नहीं करता, बेचारा एक कोने में रहता है, हम अभी देख के आए हैं। बोला अच्छा सबसे कमजोर वाला बताओ। बोला वो जो लंकवा में आया था ना, जो आगी लगा के फूंक के गया था लंका, वो सबसे कमजोर वाला है। वो सब उसकी तो कोई गिनती ही नहीं करता है, घलुआ समझते हैं घलुआ। गोलगप्पे खाए हैं? अरे बोलिए, गोलगप्पे पूरे खा लीजिए, जब तक वो सूखी पूरी ना मिले आदमी को लगता है आज का भोग अधूरा है। उसको घलुआ कहते हैं एक भाषा में, अतिरिक्त। ये कहते हैं उसकी तो कोई गिनती नहीं है, वो बेचारा दुबला पतला कमजोर है। अब तो रावण सोचने लगा कमजोर नहीं है तबाही की, और एक मजबूत आ गए तो का होगा। पर अभिमान नहीं हारने देता भैया। विभीषण जी से पूछ रहे क्या करना उचित होगा। विभीषण जी ने कहा प्रभु समुद्र कुल गुरु लगते हैं आपके, आप इनसे निवेदन करिए ये रास्ता देंगे। न मानत जलधि जड़ गए तीन दिन, बीत बोले राम सकोप तब भय बिनु होई ना प्रीत। उसके बाद जब देखा राम जी ने बात नहीं बन रही, लक्ष्मण जी से कहा मेरा धनुष बाण लेकर आओ। जैसे ही बाण का संधान किया समुद्र आया, रत्न को आदि को लेकर के प्रभु के चरणों में समर्पित किया, क्षमा याचना कि प्रभु भूल हुई और जो हमारे अंदर ये धृष्टता हुई है हमसे, प्रभु ये तो आपका दिया हुआ स्वभाव है, हम तो आपकी आज्ञा अनुसार कार्य करते हैं। आप एक काम करिए प्रभु, आप समुद्र पर सेतु का बंधन करिए। नल नील दो ऐसे वानर हैं जिनके द्वारा फेंके गए पत्थर डूबेंगे नहीं, वो तैर उठेंगे, तो आप कृपा करके सेतु बंधन का कार्य प्रारंभ कराओ। सेतु बंधन हुआ, सेना उस पार उतरी। पुनः अंगद जी को एक बार फिर से राम जी ने भेजा कि रावण को समझा आए। अंगद जी जब पहुंचे, अंगद जी से तुम कौन हो? बोला मैं बाली का पुत्र हूँ। बोला अच्छा बाली, बताओ बाली के तुम पुत्र हो, बाली मेरा परम मित्र था, वैसे कैसा है बाली इस समय, कहाँ है? अंगद जी ने कहा अब हम कहा बताएं, दो तीन दिन बाद तुम खुद जाके डायरेक्ट पूछना ना, सामने फेस टू फेस बात करना, मैं क्या बताऊं, दो तीन दिन बाद तुम भी तो वहीं जाने वाले हो। जब सूचना मिली बाली का वध हो गया, रावण कंपित हुआ हृदय से। बोला अरे मूर्ख, शत्रु के साथ मिल गया है। अंगद जी ने बहुत प्रकार से यहाँ कहा रावण एक बार तुझे हनुमान जी समझा कर गए हैं, तू नहीं समझा, इसीलिए राघव जी ने पुनः एक अवसर तुझे दिया है, अभी भी वक्त है समझ जा। लेकिन जब नहीं माना है रावण, युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध प्रारंभ हुआ, प्रथम दिवस के युद्ध में रावण की आधे से अधिक सेना समाप्त हो गई। द्वितीय दिवस के युद्ध में लक्ष्मण भैया को शक्ति लगी मेघनाथ के द्वारा, हनुमान जी संजीवनी लेकर गए। एक संत कहते थे कि भैया संजीवनी तो बहाना है, 14 वर्षों का समय होने को है, लक्ष्मण जी सोए नहीं। प्रभु ने सोचा कि इसी संजीवनी के बहाने में अपने लक्ष्मण को एक रात्रि का विश्राम। प्रभु सत त्रिभुवन मार जी आई, प्रभु चाहे तो एक लव मात्र में पूरे त्रिभुवन को मार सकते हैं और जिला सकते हैं, तो क्या अपने भाई को नहीं जिला सकते थे? लीला थी प्रभु की। संजीवनी बूटी प्राप्त होने के बाद लक्ष्मण जी पुनः चैतन्य हुए। युद्ध का तृतीय दिवस प्रारंभ हुआ, रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण ने बहुत फटकार लगाई रावण को, अरे दुष्ट, अब मैया को हर करके अपना कल्याण चाहता है, लेकिन अब चल मैं भाई हूँ तेरा, जो हुआ सो हुआ, अब राघव जी के कर कमलों में अपने प्राणों को त्याग कर मैं भी परम पद को प्राप्त करूंगा। तीसरे दिन के युद्ध में कुंभकर्ण की मृत्यु हुई। चौथे दिवस के युद्ध में मेघनाथ का संहार हुआ लक्ष्मण जी के द्वारा। अंतिम दिवस के युद्ध में स्वयं रावण आया है। रावण आया, बार बार प्रभु रावण के मस्तक का छेदन करते, भुजाओं को काटते, लेकिन नए शीश और भुजाओं का जन्म हुआ। अब प्रभु ने विभीषण जी की ओर देखा, गोस्वामी जी लिखते हैं, काटत भड़ई शीश समुदाय जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकारी, काटत भड़ई शीश समुदाय जिमि प्रति लाभ भय हो विषेखा राम विधि
विभीषण जी की ओर देखा तो विभीषण जी ने कहा, प्रभु रावण के नाभि कुंड नाभि में अमृत का कुंड है, जब तक इसका शोषण नहीं होता है तब तक इसकी मृत्यु नहीं होगी। अब प्रभु ने एक साथ अपने धनुष पर 31 बाणों का संधान किया और गोस्वामी जी कहते हैं, अरे सायक नाभि सर सो लग रहा, आप सदमे में चले गए, अब का होगा, रबड़वा गया। अरे जरा आनंद के साथ मना, अरे सायक नाभि सर सो प्रभु के धाम को गया। विभीषण जी का राज तिलक हुआ, इंद्र से कहकर प्रभु ने अमृत की वर्षा कराई, सभी वानर आदि जीवित हुए। विभीषण जी ने पुष्पक विमान में बैठकर वस्त्र आभूषण लुटाए। अब वानर लोगों ने क्या जाने आभूषण किसे कहते हैं, कान वाला नाक में पहना, नाक वाला हाथ में पहना, हाथ वाला कमर में लपेटा, और घूम रहे हैं भगवान के पास आके कहते हैं हम कैसे लग रहे हैं।